हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद सूरज। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइपर लिंक के सेकंड सीरीज के बारे में, लिंक ईमेल एड्रेस। ओके, आइए देखते हैं लिंक ईमेल एड्रेस कैसे काम करता है। ठीक है, तो लिंक ईमेल एड्रेस जानते हैं हम लोग कि किसी भी लिंक को बताने के लिए या लिखने के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, एंकर टैग। और एंकर टैग में बेसिकली हमारा क्या होता है यूज, हाइपर लिंक रेफरेंस। ठीक है, हाइपर लिंक रेफरेंस यूज करते हैं और उसमें कोई ना कोई लिंक जनरेट होकर हमारा जाता है। ठीक है ना, वो लिंक कैसा भी हो, चाहे तो हम लोग पाथ डिफाइन करके दें, दैट मीन्स हमारा एब्सोल्यूट पाथ हो या फिर रिलेटिव पाथ हो, ठीक है, डजंट मैटर। तो उसमें हम लिंक देते हैं। ठीक है, और अब इस सेशन में हम लोग लिंक के जगह पर एक मेल टू एट्रीब्यूट के साथ एक मेल एड्रेस डालेंगे। ओके, तो मेल टू एक एट्रीब्यूट है यहाँ पर, ठीक है इसका, और इस मेल टू एट्रीब्यूट के साथ हम वो मेल डालेंगे जहां पर जिसको हमको मेल भेजना है एक क्लिक के साथ। अब होता क्या है सिनेरियो में बताता हूँ आपको, कि अगर हमारा यहाँ पर एक वेब पेज बना हुआ है और उसके अंदर यहाँ पर हमारा सेंड लिखा हुआ है, तो अगर कोई यूजर इसको क्लिक करता है, ठीक है, जैसे ही इसको क्लिक करता है तो वो अपने जीमेल अकाउंट या जो भी वहां पर लिंक होगा, ठीक है, मेल अकाउंट, उस मेल अकाउंट पर वो रीडायरेक्ट कर जाएगा। ठीक है, उस मेल अकाउंट पर रीडायरेक्ट कर जाएगा और वहां पर हमारा मेल एड्रेस, यहाँ पर मेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा, ये मेल एड्रेस जो कि यहाँ पर लिखा रहेगा, यही मेल एड्रेस यहाँ पर लिखा रहेगा एज इट इज, डेमो एट द रेट ऑफ gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी हम लोग को लिखना पड़ेगा और यहाँ पर इसको सेंड कर देंगे तो वो मेल चला जाएगा। तो होता क्या है बेसिकली, ये मेल टू एट्रीब्यूट काम क्या करता है कि वो डायरेक्ट आपके मेल एड्रेस पर उस जीमेल को जाकर पेस्ट कर देता है और एक तरह से रीडायरेक्ट कर देता है, बस इतना ही काम होता है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमने बेसिक HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है और उसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर जो पढ़ना है मेल टू, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। ओके, तो उसका प्रैक्टिकल देखना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसमें मेल टू एट्रीब्यूट डालता हूँ, मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। ओके, और मैं इसको सेव करता हूँ और लिंक में मैं डाल देता हूँ सूरज। मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर पे चलता हूँ। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए गाइस, यहाँ पर एक हाइपर लिंक आ गया है सूरज के नाम से। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे वो रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पर, डायरेक्ट अपने मेल एड्रेस पर। उसने डायरेक्टली मेल एप्लीकेशन खोल दिया, ठीक है, और यहाँ पर मेल स्टार्ट हो गया सेंड होना। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग गाइस कि उसने फ्रॉम और टू दोनों में भेज दिया। ठीक है, फ्रॉम और टू, यहाँ से जो हाँ जहाँ पर भेजना है वहाँ पर उसने वहाँ पर डाल दिया बाय डिफॉल्ट, और हम यहाँ पर सेंड डायरेक्ट कर सकते हैं सेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं मेल टू एड्रेस। ठीक है, तो आइए जानते हैं बुक मार्क इन HTML के बारे में। सो बेसिकली होता क्या है, एक सिनेरियो में बताता हूँ आपको गाइस, कि यहाँ पर हमारा एक पेज है। ओके, और इस पेज में तीन बटन है, एक दो और तीन। ठीक है, तीनों बटन पे ये मान लीजिए फर्स्ट बटन है, सेकंड बटन है, थर्ड बटन है। हर बटन पे एक यूनिक आईडी लगा हुआ है। ठीक है, ID 1, ID 2 और ID 3। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि जिस भी पैराग्राफ या जिस भी डिव पे या फिर जो भी हमारा एक एलिमेंट होगा उस पर ये आईडी लगा होगा, तो वो हमारा एक बुकमार्क की तरह काम करता है। जैसे कि किसी भी यूजर ने अगर बटन नंबर 1 को क्लिक किया तो ये कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा अपने इस यूनिक आईडी पर, और आईडी में जितने भी कंटेंट होंगे वो शो हो जाएंगे। ठीक है, एज इट इज यहाँ पर इस पार्ट में। ठीक है, वैसे ही अगर div 2 यानी बटन 2 को कोई भी यूजर क्लिक करता है तो वैसे ही वो ये आईडी, जो आईडी यहाँ पर है ID 2, ये जिस भी टैग में लगा हुआ होगा उसको शो कर देगा। ठीक है, वैसे ही थर्ड में जो भी हमारा आईडी लगा होगा और ये आईडी जो भी टैग कंटेन कर रखा होगा एज इट इज उसको शो कर देगा। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ये एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग में हमने रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस दिया है, ये हमारा आईडी। ठीक है, हैशटैग जो बताता है हमको ये आईडी, यूनिक आईडी बताता है। ठीक है, और आईडी हम लोग जानते हैं कभी यूनिक होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर आईडी दिया तो हम देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर भी हमने एक आईडी दिया है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, P1,
दैट मीन्स पैराग्राफ वन। तो अगर कोई भी यूजर इस एरिया पर क्लिक करेगा तो वो जंप कहाँ कर जाएगा, इसको शो करने लगेगा। देखिए गाइस, ये शो करना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, यानी ये एक्टिव हो चुका है। वैसे ही मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, हमारे पास दूसरा भी एक हाइपरलिंक रेफरेंस है और यहाँ पर हमने पैराग्राफ थ्री को बोला, ठीक है, और जब भी अब पैराग्राफ थ्री पर कोई भी यूजर क्लिक करता है तो वो पैराग्राफ थ्री हमारा एक्टिव हो जाएगा, हो गया ना, ठीक है, ये आईडी के साथ मैच करता है, ठीक। वैसे ही हम एक और ले लेते हैं पैराग्राफ फाइव के लिए, तो पैराग्राफ फाइव भी सेम एज इट इज काम करेगा, अपने आईडी पे जाएगा और उसको एक्टिव कर देगा और दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर क्लिक करेगा कोई तो वो पैराग्राफ फाइव हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुकमार्क के बारे में। ओके, तो बुकमार्क में सबसे पहले हमने क्या किया है कि दो एंकर टैग ले लिया है, ठीक है, और जिसमें हमने रेफरेंस हाइपरलिंक रेफरेंस ये हैज C4, ठीक है, चैप्टर 4 हमने डाला है, ठीक है, और चैप्टर 2 का, ठीक है। तो इससे हमने यहाँ पर लिंक कर लिया है देखिए, और हमने H2 में, ये हमारा H2 है और H2 में हमने ये आईडी का लगाया है C2, और वही हमने लिंक किया है यहाँ पर, ठीक है, यही C2 हमने यहाँ लिंक किया है, देख सकते हैं आप लोग गाइस, और C4 को हमने लिंक किया है ये, ठीक है। तो ये लिंक हो चुका है, ठीक, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ सेव करके, और अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश मैंने कर दिया है और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मैं जंप करूँगा जंप टू चैप्टर 4 तो वो चैप्टर 4 पे आ जाएगा, ठीक है, जंप टू चैप्टर 4 पे आ गया, और अगर मैं चैप्टर 2 पे जाके क्लिक करूँगा तो चैप्टर 2 आ गया, ठीक है, ये रहा चैप्टर 2, और अगर मैं चैप्टर 4 पे क्लिक करूँगा फिर से तो चैप्टर 4 पे आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए गाइस मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और मैं एक और लिंक जनरेट करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट इट, और मैं इसको हटा के यहाँ से कर देता हूँ चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5, और मैं यहाँ भी डाल देता हूँ चैप्टर 5, और चैप्टर नंबर 5 पे मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हमारा C5, सेव करता हूँ मैं और अपने ब्राउजर पे चलते हैं और रिफ्रेश करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं आया यहाँ पर चैप्टर 5 पे क्लिक किया तो देख सकते हैं आप लोग ये चैप्टर 5 आ गया। मैं और जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आएगा ये। अगर मैं यहाँ पर चैप्टर 4 क्लिक करूंगा तो चैप्टर 4 आ गया, अगर मैं चैप्टर 2 पे करूंगा तो चैप्टर 2 आ गया, ओके, और अगर चैप्टर 5 पे करूंगा तो चैप्टर 5 आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है गाइस कि जिस पार्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं वो अपेयर हो जा रहा है, ठीक है, डेफिनेटली। सो आई होप आप लोग को गाइस समझ में आया हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।